Good morning, students. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10th trigonometry topic in which we will discuss sum of complementary angle. ठीक है, या देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेके 5 तक ये क्वेश्चन आपको पूरा लगा लेना है. ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान है, आए हुए हैं किसी ना किसी सन में 2009, ऊपर वाला 2008, 2010, 2009 और ये लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 प्रूव करना है. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए. अटेम्प्ट करने के बाद जो है अब वीडियो आप लोग देखिएगा. वीडियो में मैं सारे जो एंगल हैं उनकी साइकिल दिखाऊंगा और प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है उसको बताएंगे. ठीक है, तो आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9 इसमें कहीं ना कहीं जरूर ये पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या बेटा, ऐसे दो एंगल, ध्यान सुनिएगा, ऐसे दो एंगल, ठीक है, जिनका सम क्या होना चाहिए, 90. ठीक है, तो ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या है, 90. ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण. ऐसे दो कोण जिनका सम 90 हो वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक कोण. ठीक है, तो यहाँ पर आप पहचानोगे क्या, जैसे मैं 67 कह दूं तो 67 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो आप कहोगे 90 में से 67 घटा लेना, तो ये 3 आया. ठीक, 8 में 6 गया 2, तो यानी 23 क्या होगा, 67 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. यानी 67 अगर ए है तो बी क्या हो जाएगा, 23. तो इसी के बेस पे यानी ये सम क्या है, हर हालत में 90 होना ही चाहिए. ठीक है, तो आपके सिलेबस में यही है. आपको देखोगे जो मैंने लास्ट 5 क्वेश्चन बताए हैं उसमें हर हालत में अगर आपको सबसे पहले कोई भी वैल्यू दे रखी गई है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि cos 31, ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ लिखा रहेगा sin, अब यहाँ 90 है तो 59, ठीक है, 59. तो अगर ये लिखा है तो आप देखिए बेटा, ये और ये पहले किनारे जोड़ लेना, क्या 90 आ रहा, तो आप कहोगे अगर 90 आ रहा है तो 5, 9, 1, 10, 5, 3, 8, 1, 9, यानी 90 आ रहा, यानी इसमें कौन सा हिसाब लगने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. फिर क्या करोगे आप, 31 को क्या लिख लोगे, 90 माइनस 59 लिख सकते हो कि नहीं बेटा, 90 में से 59 घटाओगे तो 31 मिलेगा कि नहीं, और ये कॉस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 90 की वजह से जो कॉस होता है वो चेंज हो जाता है साइन में. ठीक है, ये साइन 59 और इधर पहले से साइन 59. ठीक है, तो बहुत सारी वैल्यू कट भी जाती हैं और बहुत सारी वैल्यू क्या है, गुणा भी हो जाती हैं, तो साइन स्क्वायर 59 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ऐसे ही आपको सबसे पहले टेस्ट कर लेना है कि कौन से दो एंगल 90 बना रहे, जो भी 90 बना रहे उसमें तुरंत आप फेयर एक साथ कर लेना और आप उसमें ये चीज अप्लाई कर देना. आइए चलिए हम साइकिल की बात कर लेते हैं, यानी जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें कैसे साइकिल चलती है वो आइए देखिए बात कर लेते हैं. ठीक है, इसमें करना क्या है बेटा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट देखेंगे आप लोग, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है. ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में नाम कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये क्या है बेटा थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये क्या है फोर्थ. ठीक है, और आपको पता है ये हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, ये हमेशा क्या होता है बेटा, प्लस होता है. ठीक है, और यहाँ पर बेटा ये देखोगे ये क्या होता है, तो आप कहोगे निगेटिव होता है, इधर नीचे वाला क्या होता है, तो आप कहोगे निगेटिव होता है. तो इतना समझे या नहीं, ठीक है, समझ गए होगे. आप देखो अगर हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, किस पे बात करते हैं, राइट ट्राइंगल यानी सब कोण त्रिभुज पे. समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होता है, 90 डिग्री बनता है कोण, बन रहा होता है ना बेटा, बन रहा है. तो इसी तरह से हर जगह बनाइए, हर जगह बनाइए और ये बनाइए. ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ गए आप कि 90 डिग्री बनता है, ट्राइंगल बन रहा है, राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. आप यहाँ देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो कि नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ठीक है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर. ठीक है, वो किसके बराबर होता है, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग. ठीक है, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है ना. तो आप देखोगे यहाँ से
कहने का मतलब अगर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू प्लस है, इसका स्क्वायर है भाई, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी क्या होना है, प्लस, ठीक है, प्लस ही तो होगा सब, ठीक है, पॉजिटिव ही तो मिलेगी बेटा वैल्यू। कहने का यही मतलब है कि अगर कल को माइनस भी होगा तो भी ये क्या है, स्क्वायर, ये भी क्या है, स्क्वायर। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ ये जो हाइपोटेनस लेंथ है हर जगह की बेटा, हर जगह की, वो हमेशा क्या मिलने वाली है, तो आप कहोगे धनात्मक मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, धनात्मक, पॉजिटिव। आप कहोगे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, तब समझो क्यों बता रहा हूँ। चलिए इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं पहले इससे, ठीक है, इसमें आधार और ये लंब, ठीक है, यहाँ कोई एक एंगल ले लेना, ये आधार और ये लंब। आपसे कहा जाए कि साइन थीटा बताओ बेटा इसमें पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो आप कहोगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर देखो ये क्या है, प्लस में है, बेस काहे में है, प्लस में, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब इस चतुर्थांश में, इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आइए कॉस थीटा की बात कर लेते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, तो कॉस थीटा बराबर भी देखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है बेटा, प्लस, और हाइपोटेनस सब में प्लस रहने वाला है, तो प्लस प्लस यानी प्लस, तो कॉस थीटा भी प्लस, ठीक है। आइए टेन थीटा की बात कर लेते हैं, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी प्लस और बेस भी प्लस, तो ओवरऑल प्लस, तो टेन थीटा भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि पहले चतुर्थांश में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या हो रहा है, पॉजिटिव। अब इसका उल्टा यानी साइन का उल्टा बेटा क्या होगा, कॉसेक, ठीक है भाई, देखो अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो वन अपॉन कॉसेक होता है, तो कॉसेक बराबर वन अपॉन साइन, तो कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, सेक भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव। कहने मतलब इन्हीं तीन से पता चल जाएगा कि आगे तीन पॉजिटिव होने वाली है या निगेटिव। तो पहले चतुर्थांश में क्या कह सकता हूँ कि कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो आप कहोगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमिति अनुपात यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, छह की छह वो अनुपात क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। आइए जरा इस पे बात कर लेते हैं कौन से पॉजिटिव होते हैं, केवल मैं दो पे बात करूंगा, पूरे पे आप लोग घुमा लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखोगे ध्यान से, ये ट्राइंगल बना, ये थीटा है, ये 90 है, आप साइन थीटा की बात कर लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर, प्लस में है, हाइपोटेनस हमेशा प्लस में, ठीक है, तो यानी साइन थीटा इस दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस में। आइए कॉस थीटा की बात कर लें, कॉस थीटा बेस, बेस बेटा काहे में है, अब की बाईं तरफ है इसलिए निगेटिव में, हाइपोटेनस किस तरह है, प्लस में, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या मिल रही, निगेटिव, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब जो साइन थीटा है पॉजिटिव मिलता है, कॉस थीटा निगेटिव। आइए टेन थीटा की बात कर लेते हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव लेकिन बेस निगेटिव, तो कहने का मतलब टेन की भी वैल्यू निगेटिव, कॉस की निगेटिव, ये निगेटिव मिलेगी, ये निगेटिव, ये साइन की क्या मिलेगी, प्लस। अब इसी के आधार पर देखो कौन कौन से प्लस होंगे, साइन प्लस है तो कॉसेक भी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो यानी इस चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, कॉस निगेटिव तो सेक भी निगेटिव, टेन निगेटिव तो कॉट भी निगेटिव, तो आप समझ चुके होंगे, है ना। तो यहाँ से यानी दूसरे क्वाड्रेंट में बेटा कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती, तो आप कहोगे साइन थीटा, और सब बेटा क्या होंगी, साइन और कॉसेक क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और सब क्या हो जाती हैं, निगेटिव, यानी टेन, कॉट और सेक, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। अब इसी के आधार पे यहाँ पे आप पता कर सकते हो, तो आपका क्या आएगा, तीसरे में आप जानते हो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव, ठीक है। और इसी तरह इसमें आप बात करोगे तो सेक थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, और सब क्या होते हैं, निगेटिव, ठीक है। ये समझ गए ना कि किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव, ठीक है। आइए चलिए, ये तो हमने चर्चा कर ली कि किस चतुर्थांश में कौन सी चीज़
कौन से कौन वित्तीय अनुपात पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव। अब हम बात करने चल रहे हैं, जैसे आप जानते हैं ये साइड और ये साइड के बीच कितने डिग्री, 90 डिग्री। फिर यही 90 डिग्री बढ़ के बेटा ये कितने डिग्री कोण बना लेता है, 180। फिर यहाँ तक कितना बन जाता है, तो आप कहोगे 270। ठीक है, फिर पूरा बात किया जाए तो एक सर्किल बन जाता है, कितने डिग्री कोण बन जाता है, 360। इसी के आधार पे सारी वैल्यू, जैसे साइन 90, पहले साइन 0, थीटा, ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही समझिए, इसके आगे हम कल बताएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने सारी चीज़ समझी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कैसे 270, 90, 80 ये सब कैसे वैल्यू आती है, सब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल को महंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल, ठीक है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में अधिक से अधिक आप जो है शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे हमारे व्यू बढ़े, रेटिंग बढ़े, आपके लिए वीडियो हम लाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।